इक्वेशन ऑफ लाइन एक्सरसाइज कौन सी 11.2 इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट पॉइंट अब पॉइंट भी तुम्हारे पास दो फॉर्म में हो सकता है. पॉइंट या तो तुम्हारे पास हो सकता है ए पॉइंट कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो, ठीक है, एक्स वन वाई वन जेड वन, या ए पॉइंट अपने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हो. दोनों तरह से हो सकता है. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर वेक्टर बी, राइट. आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, जो किसी पॉइंट से पास करती है. लाइन कहां से पास कर रही है? किसी पॉइंट से पास कर रही है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वन वाई वन जेड वन. फाइंड क्या करना आपको लाइन की? इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन. अच्छा, और लाइन कहां से पास कर रही है? ए पॉइंट से पास कर रही है, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है आपको. उस वेक्टर को मैं मान लेता हूं बी वेक्टर दिया हुआ आपको, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है. क्वेश्चन समझ आया आपको क्या है? लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. लाइन एक पॉइंट से पास करती है ए से, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन गिवन है. लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है, करेक्ट. देखो जरा बच्चों, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. अगर मैं ए पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ, ए पॉइंट को किससे ज्वाइन कर देता हूँ? ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ, और ये जो ओ ए वेक्टर बना है, ओ ए वेक्टर, इस ओ ए वेक्टर को मैं लिख देता हूँ वेक्टर ए. क्या लिख देता हूँ? वेक्टर ए. ओ ए वेक्टर को मैंने किससे डिनोट कर दिया? ए वेक्टर से. तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, या पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या होगा? X, Y, Z. सिंपली ए के कोऑर्डिनेट के साथ क्या लगा दो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका क्या होगा? ए वेक्टर होगा, ठीक है. ए वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट. क्या है ये? पोजिशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट. ऑफ पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट मतलब जहां से लाइन पास करती है, जहां से लाइन पास कर रही है. ए वेक्टर क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट. लाइन का जो पासिंग पॉइंट है ये उसका पोजिशन वेक्टर है. हाँ, सब रवि, और किसके पास रखने की जगह? किसके पास नहीं, ठीक है. ए वेक्टर क्या मिल गया हमें? ऑल राइट. अच्छा, बी वेक्टर दिया हुआ है. बी इज ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन. बी क्या है? एक वेक्टर है, लाइन के पैरेलल है, ठीक है. अच्छा, बी अगर कोई वेक्टर है तो बी भी आई जे के फॉर्म में होगा. अभी हमें ये तो नहीं पता बी एक्चुअल में क्या है, तो बी को हम कोई जनरल वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं. बी को हम कोई जनरल वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप. क्या अज्यूम कर लेते हैं? ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप. हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? ए आई बी जे सी के, राइट. ये बी वेक्टर हो गया. बी ये कैसा वेक्टर है? वेक्टर पैरेलल टू द लाइन. लाइन के जो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ये उसके पैरेलल एक वेक्टर है. वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, राइट. बच्चों अगर ऐसा हो तो आगे का जो मैं बता रहा हूं आपको लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लो. मान लो इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड. जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड. अगर मैं यहां से ओपी वेक्टर लिखता हूं, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर क्या होगा भाई? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ओपी वेक्टर आपके पास ये होगा. अगर आप ट्राइंगल लो लगाओ यहां पर ट्राइंगल लो लगाएं, देखो ये क्या है? दिस इज ए पॉइंट और ये क्या है? पी पॉइंट. तो ए पी वेक्टर क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे ए पी वेक्टर क्या होगा? वेर इज ए पी? ए पी कहां पर है? माइनस ये वाला वेक्टर आपका ए पी वेक्टर है. तो ए पी वेक्टर क्या होगा? ओपी माइनस एक्स वन माइनस एक्स आई कैप, नहीं सॉरी, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप.
वो तो आप पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स के क्रम में जब आप इसको निकालोगे तो वो आएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो भी मान लें ओपी है, अभी ओपी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं पी वेक्टर, तो पी वेक्टर माइनस इस पॉइंट का पोजीशन, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है क्या ए वेक्टर, तो पी माइनस ए आएगा, ठीक है पी माइनस ए आएगा। बट हम इसको पी माइनस ए की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, हम एक और वे से लिखना चाहते हैं इसको, कैसे, बी वेक्टर की हेल्प से। बी वेक्टर की हेल्प से इसको कैसे लिखेंगे, देखो ए पी ये वेक्टर है और बी वेक्टर ये है, और ये तो हमें इनिशियली ही बताया गया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी, मतलब हमारी लाइन बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, तो बी और हमारी लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहां से ए पी वेक्टर किसके पैरेलल बना, ए पी वेक्टर किसके पैरेलल बना, बी वेक्टर के। ए पी अगर बी के पैरेलल है तो ए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए डोलमा, जल्दी बताओ आप, जल्दी यूट्यूब पे फेमस होने वाले हैं, जो भी वीडियो को देखेगा सुनेगा कि डोलमा कौन है ना। ए पी वेक्टर क्या होगा भाई, लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। ए पी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर होगा, करेक्ट, समझ आया। अच्छा एक बात बताओ, ए पी वेक्टर की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा वेक्टर आ गई, अब आप इसके ऊपर ट्राइंगल ओ ए पी पे ट्राइंगल लो लगाओ, ओ ए पी पे ट्राइंगल लो लगाओगे तो क्या आएगा वहां से, बताओ जरा, ओपी इज इक्वल टू, लगाना ऐसे है ओ ए प्लस ए पी, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओ पी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, यही ट्राइंगल लो होता है, ठीक है। और इस ओपी वेक्टर को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, किससे डिनोट कर देता हूँ, आर से। तो बच्चों देखना ओपी, ओपी इज व्हाट, आर वेक्टर, ओपी क्या है, आर वेक्टर। ओ ए क्या है, व्हाट इज ओ ए, ओ ए को हमने ए से डिनोट किया हुआ है, ए वेक्टर प्लस ए पी अभी अभी हमने फाइंड किया है लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। यहां से एक कंडीशन निकल के आ गई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। इसको कहा जाता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कैसी लाइन, ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कैसी लाइन, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ए पॉइंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए, एंड पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। ये कैसी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है जो एक गिवन पॉइंट से पास करती है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है, ओपी वेक्टर जा रहा है लास्ट, ओपी वेक्टर नहीं, ये पूरी लाइन, ये पूरी कंडीशन है। इक्वेशन हमेशा इक्वल टू की फॉर्म में होती है, ठीक है, इक्वल टू में एक इक्वल टू का साइन जरूर होगा, दिस इज, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, इसे कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है ये, लाइन की इक्वेशन है, राइट। और कैसी लाइन की इक्वेशन है, जो लाइन एक गिवन पॉइंट ए से पास करती है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये लाइन किसी गिवन वेक्टर के साथ पैरेलल है, बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, समझ आया। तो या तो आप पूरा लिख लो, अदरवाइज आप यहां पर लिखो आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस, और फिर यहां से लिखो कि वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि लाइन की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। डोलमा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, क्या होती है लाइन की इक्वेशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मैडम, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर, ठीक है भाई, याद हो गया सबको, सीआर भी याद हो गया,
क्या r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, किसकी इक्वेशन है ये? लाइन की इक्वेशन। कैसी लाइन? पासिंग थ्रू ए पॉइंट। क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है कि ये कौन सी कंडीशन में आप अप्लाई करोगे। ये तब अप्लाई होगी जब आपको लाइन के ऊपर एक पासिंग पॉइंट दिया हो। पासिंग पॉइंट या तो आपको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिया हो या फिर आपको पैरेलल वेक्टर की फॉर्म में दिया हो। पासिंग पॉइंट या तो आपको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया हो, सॉरी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में या पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। ए का आपको पोजीशन वेक्टर भी दिया जा सकता है, ए के आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिए जा सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स दिए तो आप पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, राइट? और पोजीशन वेक्टर दिया हो उससे भी ए के कोऑर्डिनेट बन सकते हैं। आई होप ये सबको याद रहेगी। अच्छा, इक्वेशन को अच्छे से याद कर लो कि क्या है, आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लेमडा टाइम हो बी वैक्टर। अब ये तो आपको समझ आएगा कि किस चीज की इक्वेशन है आर वैक्टर, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वैक्टर। दिस इज वैक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन वाई वन जेड वन एंड पैरेलल टू ए गिवन वैक्टर बी। और बी वेक्टर हमारा क्या था? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हमारा बी वेक्टर था। ए का हमने पोजीशन वेक्टर बना लिया था। ए का पोजीशन वेक्टर क्या बना था? वेक्टर ए क्या था? एक्स वन इन्हीं ए के कोऑर्डिनेट्स के साथ आई जे के लगा दो, एक्स आई कैप एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। क्लियर है ये सबको? अच्छा बच्चे एक बात ध्यान से सुनो, सुनोगे ना? ध्यान से सुनने की बात तो ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ये कैसी इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? वेक्टर इक्वेशन है, ध्यान रखना है, ये वेक्टर इक्वेशन है। एक होती है बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या फर्क होता है दोनों में? कार्टेशियन इक्वेशन में आई जे के नहीं होते, सिर्फ एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है देखो जरा बच्चों, अगर इस आर को मैं चेंज कर देता हूँ, आर को मैं चेंज कर देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आपको ध्यान होगा पिछले पेज पे आर वेक्टर यही था, अगर नहीं याद है तो जाके देख लो। आर वेक्टर देखो क्या है, आर वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और एक बात सुनो बच्चों, ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर क्या था बताओ जरा। अच्छा उस ए वेक्टर को मैं लेफ्ट में भी ले आता हूँ साथ साथ। ए वेक्टर बताओ क्या था, बल्कि ए को नहीं लाता बच्चों लेफ्ट में, लेफ्ट में मैं लेके आता हूँ इसको, हाँ ए को ही लेके आना, सॉरी ए को लेफ्ट में ले आओ। और ए की वैल्यू क्या थी? क्या थी ए की वैल्यू? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वैक्टर ए की वैल्यू थी। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा? लैम्डा इंटू बी वैक्टर। बी वैक्टर की वैल्यू बताओ मुझे क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये इसकी वैल्यू है। बच्चों एक बार ध्यान से देखो, दिस इज एक्स आई कैप और ये क्या हो जाएगा? एक्स वन आई कैप, एक्स वन आई कैप है ना, ये एक्स आई कैप और ये एक्स वन आई कैप, और माइनस हो रखे हैं दोनों, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस में यहां पर क्या है वाई जे कैप और यहां पर क्या है वाई वन जे कैप, तो वाई माइनस वाई वन जे कैप लगा सकते हैं। यहां पर क्या है जेड के कैप और यहां पर क्या है जेड वन के कैप, तो आप क्या लिख सकते हो जेड के कैप जेड माइनस जेड वन के कैप। यहाँ पर अगर आपने पूरा माइनस किया तो वाई और जेड भी तो माइनस होंगे। x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, तो x माइनस एक्स वन हो गया, ठीक है। यहाँ पर y पॉजिटिव है और y1 नेगेटिव है, ये देखो इसकी वजह से, ठीक है, y1 नेगेटिव है तो y माइनस वाई वन हो गया, z माइनस जेड वन होगा, z तो पॉजिटिव है और z1 नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखो, ये क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू ए आई कैप प्लस में लैम्डा इंटू बी जे कैप प्लस में लैम्डा इंटू सी के कैप। आप भले इसको लिखो मत, इसको समझ लो बस आप, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट साइड देखो, ये भी एक वेक्टर है, लेफ्ट साइड में भी आई जे के की तरफ में एक वेक्टर है,
और राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है राइट right? जब कभी भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उन वेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ आई जे एंड के इक्वल होते हैं. क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ आई जे एंड के दूसरी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ आई जे एंड के इक्वल होते हैं. तो बच्चों यहां से क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन किसके इक्वल आएगा, लैम्डा ए के इक्वल आएगा. और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए किसके इक्वल आएगा, लैम्डा के इक्वल आएगा. देख रहे हो आप. सिमिलरली बाकी दो के लिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में ही काम चला देता हूं. जब आप y माइनस वाई वन करेंगे इज इक्वल टू लैम्डा भी आएगा और b को आप लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले आएंगे, राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ लैम्डा बचेगा. सिमिलरली जेड माइनस जेड वन अपॉन सी किसके इक्वल होगा, ये भी लैम्डा के इक्वल होगा. तो बच्चों यहां से आप देख रहे हैं सभी लैम्डा के इक्वल है. वाई माइनस वाई वन अपॉन बी भी लैम्डा के इक्वल है, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी भी लैम्डा के इक्वल है. इसका मतलब ये सारे इक्वल हैं. तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. और बच्चों इस कंडीशन को कहा जाता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. क्या कहा जाता है? कार्टेशियन. इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. अब बच्चों कार्टेशियन, ये कैसी कार्टेशियन इक्वेशन है? ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन तो है, बट ये किन कंडीशंस में अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला? देखो बच्चों यहां पर आपको x1, y1, z1 नजर आ रहे हैं. कहां से आए x1, y1, z1? आपको इनिशियल कंडीशन ध्यान है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने लगे थे हम, जिसमें a पॉइंट दिया था x1, y1, z1, मतलब लाइन इस पॉइंट से पास कर रही थी, तो वहीं से ये x1, y1, z1 आए हैं. कहने का मतलब ये है कि x माइनस एक्स वन, जो ये x1 पॉइंट है, यहां पर जो y1 पॉइंट है और यहां पर जो z1 पॉइंट है, ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स, ये पॉइंट बच्चों जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही थी उस पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी और सी, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी और सी. ए बी सी क्या है, ध्यान से देखो, लाइन एक वेक्टर के साथ क्या थी, पैरेलल थी. क्या थी लाइन एक वेक्टर के साथ? पैरेलल. ठीक है, उस पैरेलल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है? ए बी सी. नीचे जिस डिनोमिनेटर में तीन नंबर हैं वो उस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है. ठीक है, ये जो बी वेक्टर था लाइन के पैरेलल, लाइन के पैरेलल बी वेक्टर था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये उसके डायरेक्शन रेशियो है. ठीक है राइट. यहां पर आने के बाद इनको कहेंगे ए बी सी को, एक्चुअल में ये थे तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो, सॉरी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो. इस कंडीशन, इस सिचुएशन में आने के बाद इन एबीसी को कहेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन. अब ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बन गए, जो हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड की है उसके डायरेक्शन रेशियो बन गए, तो इन्हें कहा जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन. ठीक है, अच्छा आए कहां से? पैरेलल वेक्टर से. जो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो थे वही क्या बन गए? लाइन के डायरेक्शन रेशियो बन गए. तो एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट. एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन. और ये एक्स वाई जेड, भाई एक्स वाई जेड ही रहेगा, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है. जब भी आपने कभी भी कोई भी इक्वेशन पहले भी पढ़ी होगी क्लास नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवंथ में, तो वो ऐसे होती है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, इस फॉर्म में होती है. मतलब हर इक्वेशन में एक्स और वाई तो होते हैं, किसी किसी में मान लो एक्स नहीं है, किसी में वाई नहीं है, या किसी में दोनों है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स और वाई में से दोनों ही नहीं हो, फिर तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ही खत्म हो जाएंगे, तो लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? तो ये p हमने एक पॉइंट लिया था, पॉइंट लिया था लाइन के ऊपर p, जनरल पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x y z, तो ये वाले x y z हैं ये. ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेट्स, तो ये तो हर लाइन की इक्वेशन में रहेंगे राइट. तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आई, क्या इक्वेशन आई? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिसमें x1, y1, z1 आर कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट. x1, y1, z1 क्या है?
पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, और इस स्टेज में आने के बाद इनको कहेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। सो दैट इज योर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब अगर आपको मान लो ये वाली सिचुएशन दी है, एक पॉइंट दिया हुआ है ए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, एक आपको पैरेलल वेक्टर दिया है, और आपसे पूछा जाता है कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, तो आपको इतना सारा थोड़े ना करना है, आपको तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई इस पॉइंट का जो आई का कंपोनेंट है ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन मतलब ये वाला पॉइंट अपॉन में दिस इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन दिस सी, ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको तो सिर्फ इतना करना है, डायरेक्ट ये तो सिर्फ समझने के लिए था, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट, वही आपको अप्लाई करना है। देखो एक क्वेश्चन में मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जिसमें ए पासिंग पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन है, और अगर इसको पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में लिखें तो इसका पोजिशन वैक्टर ए है, आर बी इसके पैरल कोई वैक्टर है ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अच्छा अब एक एग्जांपल लेते हैं हम एक्सरसाइज का, हमारी एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन बताओ जरा मुझे क्या है। वहां पर आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो लाइन कहां से पास करती है बताओ, लाइन पास करती है 1, 2, 3 से, तो पासिंग पॉइंट को हम ए से डिनोट करते हैं, लाइन का जो पासिंग पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ए, ए से डिनोट करते हैं और उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ये हो गए, एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया होता है बी, हाँ बी यहाँ पर हमें कितना दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, राइट। यूजुअली हम इसको क्या लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ए कितना होगा 3, बी कितना होगा 2 और सी कितना होगा माइनस 2, और ये हमारा क्या होता है एक्स वन वाई वन जेड वन होता है, तो एक्स वन कितना है 1, एक्स टू वाई वन कितना है 2 और जेड वन कितना है 3, समझ आया आपको। अच्छा अब अगर हम बात करें वैक्टर इक्वेशन की, वैक्टर इक्वेशन बात करें हम वैक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी देखो ध्यान से, वेक्टर इक्वेशन होती है भी आर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, ये वेक्टर इक्वेशन होती है। अच्छा ए वेक्टर होता है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो ए वेक्टर अगर हमें बनाना पड़े तो ए वेक्टर क्या होगा आई के प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर, और बी वेक्टर बी तो पहले दे रखा है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं आर की वैल्यू, आर तो आर ही होता है, आर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई जेड, वेक्टर्स में जब हम एक्स वाई जेड को लिखेंगे तो पी पॉइंट क्या होता है, पी एक जनरल पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स में जब हम लिखेंगे तो एक्स वाई जेड ना लिख के उस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर लिखेंगे, और वो पोजिशन वैक्टर होता है आर, आर इज सिंपली एक्स आई वाई जे जेड की, हर फॉर्मूले में आर यही रहेगा, ठीक है। आर को आर ही रखना है, ए वेक्टर की आपको वैल्यू डालनी है कितनी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो हो गई आपके ए वेक्टर की वैल्यू, प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर है हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये आपकी आ गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ गई। और अगर आपको निकालनी होती कार्टेशियन इक्वेशन, लिखो इसको पहले, लिख लिया क्वेश्चन में मेंशन होता है, नहीं भी होता तो दोनों निकालनी होती। अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी होती है तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन ए y माइनस बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, जिसमें x1 y1 z1 होते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है हमारा, पासिंग पॉइंट तो हमारा ये है, ठीक है। तो x1 को किससे रिप्लेस करोगे 1 से,
वाई वन को किससे रिप्लेस करोगे? टू से। जेड वन को किससे रिप्लेस करेंगे? थ्री से। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री। अब ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ए को किससे रिप्लेस करोगे? थ्री से। बी को किससे रिप्लेस करोगे? टू से। सी को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस टू से। तो इसके नीचे आएगा थ्री, यहाँ पर आएगा बी कितना है टू और सी कितना है माइनस टू। दैट इज योर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी थी उसकी आपके पास वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन आ गई हैं। क्वाइट इजी। ड्रॉ कर लोगे तो आसान रहेगा आपके लिए। थ्रीडी का क्वेश्चन मुझे लगता है ड्रॉ करके ही करना चाहिए। चलो आगे। नहीं लिखा है अगले अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्या फाइंड करना है? सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, क्या फाइंड करना है? पोजीशन वेक्टर दिया है और इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। हाँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द लाइन वेक्टर दैट पासिंग थ्रू। लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब वेक्टर ए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वेक्टर ए बताना जरा? 2i cap minus j cap plus 2i cap minus j cap plus 4k cap, ठीक है? And और क्या दिया हुआ है? In the direction of i cap plus 2j cap minus 2. In the direction of this. बच्चों हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो लाइन इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। वो वेक्टर क्या दिया हुआ है बताना? 2i cap plus 2j cap minus 2 cap. ये ठीक है। लाइन हमारी इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। इस वेक्टर के डायरेक्शन में होने का मतलब यह है कि लाइन हमारी इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है? इस वेक्टर के पैरेलल है हमारी लाइन। समझ आया आपको? तो बी वेक्टर हमें बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बच्चों? इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर का मतलब है कि बी के पैरेलल है लाइन। तो बी क्या हो गया? लाइन के पैरेलल। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जरा, फार्मूला क्या होता है? R वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। क्या आ गया यहाँ से? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर 2i कैप माइनस J कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा इनटू B वेक्टर कितना भी प्लस माइनस K कैप। ये तो हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। आप अगर बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप? कार्टेशियन इक्वेशन देखो, क्वेश्चन को ना देख लेना मार्क्स में कितना है। अगर एक दो नंबर में हो तो सीधा लिख दो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन चार नंबर में आ जाए तो फिर पूरा आप यहां से उसको डिराइव करना। डिराइव कैसे करोगे? जैसे मैं फॉर्मूले में करके आया हूं, आर को चेंज करना एक्स आई वाई जेड के, इसको लेफ्ट में लेके आना, ठीक है? इसको लेफ्ट में लेके आना, मतलब यहां से आपको यहां तक का पोर्शन करना है। फिर इसको लेफ्ट में लेके आना, बाद में इकट्ठी खींच लेना, इसको राइट में ही रखना, यहां पर आई वाली टर्म इकट्ठी करना और फिर कंपेयर करके करना अगर ज्यादा मार्क्स में आए। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता नहीं है, एक या दो नंबर का ही आता है, तो उसमें आप सीधा ही लिख दो। तो कार्टेशियन इक्वेशन आपका ये पासिंग पॉइंट है, यहां से आप पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2 माइनस 1 एंड 4 और यहां से आप बनाएंगे डायरेक्शन रेशियो, दिस इज 1 दिस इज 2 और दिस इज माइनस 1। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C। ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1, बताओ x1 कितना है? 2 अपॉन 1। y माइनस y1 बताओ कितना है? माइनस 1, तो माइनस 1 लिखोगे यहाँ पर। z माइनस z1 बताओ कितना है? 4।
अपॉन में बच्चों होते हैं ए बी सी, अपॉन में ए बी सी, तो ए कितना है 1, ठीक है, बी कितना है 2 और सी कितना है -1, ये आपकी होगी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, समझ आए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो जरा, हाँ 6 है, पहले 3 क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं ना, 6 आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी पॉइंट से पास करती है, पॉइंट बताओ जरा मुझे क्या है, -2, 4, -5, -2, 4, लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब ये लाइन का क्या है, पासिंग पॉइंट है, लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उसको आप क्या कह सकते हो, पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, और ये लाइन किसी दूसरी लाइन की डायरेक्शन में है, उस लाइन की इक्वेशन दी है, बताओ क्या इक्वेशन है, x plus 3 upon 3 minus 4 by 5 equals to z plus 8 by 6, क्या मतलब हुआ इसका युवराज, आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करती है और वो इस लाइन की डायरेक्शन में है, अब बताओ इसका क्या मतलब है, इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो हम लोग डिनोमिनेटर वालों से निकाल लेंगे, और हाँ हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करती है कहाँ से, -2, 4, -6, और वो दूसरी वाली जो लाइन है ना इसी की डायरेक्शन में है, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में, एक लाइन की डायरेक्शन में दूसरी लाइन कैसे हो सकती है, वो तभी हो सकती है जब दोनों पैरेलल हो, ठीक है, और इस दूसरे वाली लाइन की इक्वेशन भी हमें दिया है, x plus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 is equal to z plus 8 upon 6, ठीक है बच्चों, और जो सेकंड वाली लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो है, डिनोमिनेटर में जो होते हैं ना वो या तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, लाइन की इक्वेशन में कार्टेशियन इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो 3 नंबर है या तो वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं या डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है, हमें एक बात पता है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वेयर्स का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, आप इन तीनों नंबर्स का स्क्वेयर का करके सम करके देख लो, अगर ये 1 के इक्वल आता है तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, नहीं तो ये डायरेक्शन रेशियो है, राइट, तो डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियो भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, चलो आगे। अच्छा तो अभी तो फिलहाल क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है, राइट, अब एक बात सुनो मेरी, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, हम ये पहले भी करके आ चुके हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके डायरेक्ट वेक्टर्स में हमने किया था, ठीक है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, यहां पर मैं ऐसे बोलूंगा इनको कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, और एक और बात मैं यहां प्रोपोर्शनल भी यूज नहीं कर रहा, मैं यहां सेम ही यूज करूंगा, कारण उसका मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो इस लाइन की L1 की इक्वेशन हमें निकालनी है, L2 की इक्वेशन हमें दी है, तो L1 की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, क्या बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या होनी चाहिए, भी x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b, ये फार्मूला जरूर लिखना 3D के क्वेश्चन में, कुछ भी गलत होगा एक नंबर इस फॉर्मूले का जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, कैलकुलेशन अगर भी होगी तो आधा नंबर कम कटेगा, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है, तो अब लाइन कहां से पास कर रही है, इस पॉइंट से, तो x1 y1 z1 हमारे ये होंगे, जिस पॉइंट से लाइन पास करती है वो क्या होते हैं, वही x1 y1 z1 होते हैं, तो ये हो गए x minus 1 करोगे तो +2 हो जाएगा, y माइनस बताओ कितना है 4 इज इक्वल टू जेड माइनस बताओ कितना है 5, कितना है +5 हो जाएगा, अपॉन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, भी प्रोपोर्शनल, देखो अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 है तो ऊपर वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, उसके होंगे 3 लैम्डा 5 लैम्डा और 6 लैम्डा, ठीक है, तो यहां आएगा 3 लैम्डा 5 लैम्डा और 6 लैम्डा, और इस लैम्डा लैम्डा भी तीनों जगह से मैं काट देता हूं, इसलिए मैं कह रहा था कि हमें लैम्डा भी लगाने की जरूरत नहीं है, हम सेम यूज करेंगे क्योंकि लैम्डा तीनों जगह से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये आपके पास आ गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एट पैरेलल टू ए गिवन
वेक्टर, करेक्ट? समझ कम आ रहा है ना, मुश्किल है तभी जगह है ऐसा क्यों? इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, क्या होती है ये? कैसी वेक्टर इक्वेशन है? एक ऐसी वेक्टर इक्वेशन है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो किसी ए पॉइंट से पास करती है और उस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है और जो किसी बी वेक्टर के पैरेलल है। इसी से कार्टेशियन इक्वेशन बनाई तो बनी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब रिया बताएगी कि इस कार्टेशियन इक्वेशन में ये जो x1 y1 z1 होते हैं ये क्या होते हैं? पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और जो ए बी सी होते हैं अर्णव वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। और कहां से आते हैं ये? डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर, जो लाइन के पैरेलल वेक्टर था उसके डायरेक्शन रेशियो से। और लाइन की इक्वेशन वो किसमें कन्वर्ट हो गए? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन में। अब हम नई इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और वो नई इक्वेशन है, वो नई इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब हम दोनों इक्वेशन निकालेंगे, वेक्टर भी और कार्टेशियन भी। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स ए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वन वाई वन जेड वन है, एंड बी, एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स टू y2 एंड z2 है। हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो पॉइंट से पास कर रही है, राइट? पिछली बार हमने जो लाइन की इक्वेशन फाइंड, इक्वेशन तो हमने लाइन की ही फाइंड की थी, वहां पर हमें कंडीशन अलग गिवन थी। कंडीशन क्या गिवन थी? वहां पर हमें एक पॉइंट दिया था, एक पैरेलल वेक्टर दिया था। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया, उस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसी कंडीशन में हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अब की बार हमें फाइंड तो लाइन की इक्वेशन ही करनी है, बट हमें इस बार दो पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं जहां से लाइन पास कर रही है, x1 y1 z1, ठीक है, एंड b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? x2 y2 z2, ए और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, राइट बच्चों? अच्छा, अगर मैं a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो वेक्टर a क्या बनेगा? a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर मैं इसको a से डिनोट कर दूं तो a वेक्टर क्या होगा बच्चों? अगर मैं बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लिखूं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो बी वेक्टर क्या होगा भाई? बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, राइट बच्चों? देखो लिखना नहीं है आपको, ठीक है? ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये वाला क्या है बच्चों? बी वेक्टर। डायग्राम को मैं दोबारा थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। कैसे चेंज कर देता हूं? देखो जरा, चेंज कर दो ना, इसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सिया हो तो बता देना। देखो बच्चों, ये ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? एक्स वन वाई वन जेड वन। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू है, ठीक है, राइट? इसका पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख लिया? वेक्टर बी। और यहां पर एक पी पॉइंट ले लेता हूं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई जेड है, एक्स वन नहीं हो, एक्स वाई जेड है, वो बीच में कॉमा है। इसको यहां से ज्वाइन कर दिया और इसका पोजीशन वेक्टर लिख लिया आर। बच्चों एक बात बताओ, क्या आप मुझे ए बी वेक्टर बता सकते हो? ये ग्रीन पेन से जब मैं जो लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस,
क्या आप मुझे ए बी वेक्टर बता सकते हो? ए बी वेक्टर होगा एक्स टू माइनस एक्स वन पे मत जाओ, ए का पोजीशन वेक्टर हमने लिखा हुआ है पहले से ही, ए बी का पोजीशन वेक्टर भी हमने लिखा हुआ है कि बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी बी तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। अच्छा अगर ए बी पता है तो युवराज मुझे ए पी बताएगा कि ए पी वेक्टर क्या होगा। युविराज ए पी वेक्टर हो जाएगा हमारा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बट हम उसे आर माइनस ए की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते अभी, ठीक है, तो हम उसको ए बी की फॉर्म में लिखते हैं। अब ए बी वेक्टर और ए पी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है दोनों, ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो कोलिनियर हो गए, ए पी इज कोलिनियर विद ए बी, तो ए पी को लिख सकते हो लैम्डा टाइम ऑफ ए बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी कि आप ए पी को क्या लिख सकते हो, ए पी को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए, ए पी को आप क्या लिख सकते हो लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए, यहां से आगे वाला आपको नहीं लिखना चाहते। अच्छा अब भाई हम इस ट्राइंगल पे ओ पे ए पे और पी पे, ओ पे और ओ पी और ओ ए पी, देख लिया आपने ओ ए पी कहा है, ओ ओ ए और पी, इस पे ट्राइंगल लो लगाना चाहते हैं, ओ ए पी पे ट्राइंगल लो लगाओ तो क्या आएगा, ओ ए वैक्टर ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर, ओ पी वैक्टर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर वैक्टर, ओ ए वैक्टर की वैल्यू बताओ ए वैक्टर, ए पी वैक्टर की वैल्यू बताओ लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए वैक्टर, ये एक कंडीशन आ गई आपके पास, इस कंडीशन को ही हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब अब लिखो आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये वेक्टर की फॉर्म में आई है ना, तो पिंक वाला लिखना पर्पल पिंक जो भी है, क्या बता वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी भाई, वो होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए वेक्टर, और ये कब अप्लाई करनी है आपको, जब आपको दो पॉइंट दिए हों जहां से लाइन पास करती है, वो दो पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिए तो आप उससे पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, जस्ट क्या करना है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ आई जे के लगा के बीच में प्लस माइनस का साइन लगा के लिखना है, करेक्ट, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए वेक्टर, है तो वही पिछली बार हमें पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था, देखो जरा क्या है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, अच्छा ये है तो पिछले वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, पिछले वाली थी आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर, अच्छा उसमें ए तो पासिंग पॉइंट था, इसमें भी ए पासिंग है, वहां पर बी पैरेलल वेक्टर था, तो यहां पर बी पैरेलल नहीं दिया था तो हमने एक कोलिनियर वेक्टर अपने यहां से बना लिया था, कोलिनियर या पैरेलल तो एक ही बात होती है ना, ठीक है, तो यहां पर जो बी माइनस ए है वो क्या है कोलिनियर वेक्टर ही था, लाइन के डायरेक्शन में एक वेक्टर ही था, है तो ये वही, पर हमने बी वेक्टर यहां पर कुछ अलग तरह से फाइंड किया है, समझ गए, तो दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, सर बीपी नहीं है कोलिनियर वेक्टर, बीपी बीपी भी है पर पी हमारे पास नॉन नहीं है ना, बीपी भी है एपी भी है एबी भी है, सारे एक ही डायरेक्शन में कोलिनियर नहीं है, ठीक है, बट हम अपनी जरूरत के हिसाब से हमें वो कन्वीनियंट लगा इसलिए बोल दिया, मतलब सबको अच्छी नींद आ रही है, सुलाने में तो अच्छा हूं मतलब, समझ गया सर, इस लेक्चर में इतना चले वाला, ठीक है चलो, अच्छा चलो सो रहे हैं, ओके एक बात और, ये तो हो गई वेक्टर इक्वेशन, अब कार्टेशियन इक्वेशन, तुम्हें ज्यादा नींद आ रही इसलिए मैं सीधा ही लिख देता हूँ, डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालोगे भी, देखो ये पी पॉइंट है, जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो आर की जगह तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है, करना बच्चों वैसे ही होता है, आर की वैल्यू ए को लेफ्ट में लिया, ए को क्या लिया लेफ्ट में, तो ए को आर को लिखना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए को लेफ्ट में लिया ना तो हो जाएगा एक्स वन आई कैप वाई प्लस माइनस वाई वन जे कैप माइनस जेड वन के कैप,
फिर इन दोनों को आई जे क्यू को के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करेंगे तो आएगा x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। राइट हैंड साइड में ये है b माइनस ए। देखो अगर आप b माइनस ए करते हो तो क्या आएगा, x टू माइनस एक्स वन आई कैप इज इक्वल टू सॉरी x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस में y2 माइनस वाई वन जे कैप और फिर आएगा z2 माइनस जेड वन के कैप। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास होगा x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस में y माइनस वाई वन जे कैप प्लस में z माइनस जेड वन के कैप। ये कब आएगा, जब आप r की वैल्यू रख देंगे, a को लेफ्ट में ले आएंगे और a की भी वैल्यू रख देंगे और आई जे के वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे तो ये आएगा। और राइट हैंड साइड में है बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए है राइट हैंड साइड में, तो बी माइनस ए अगर राइट हैंड साइड में है तो बच्चों ए ये रहा बी ये रहा, इनको माइनस करोगे तो आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप फिर आएगा वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस में आएगा जेड टू माइनस जेड वन के कैप। यहां पर आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब दो वेक्टर इक्वल हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर और एक राइट हैंड साइड का वेक्टर, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को इक्वल करोगे तो आपके पास बच्चों क्या आएगा। अच्छा यहाँ एक लैम्डा भी था ना, ठीक है, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ दिस आएगा ना ऐसा, लैम्डा टाइम ऑफ दिस, ठीक है X1. अच्छा वहां से आएगा, यहाँ से लैम्डा यहाँ लगेगा तो आपके पास आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा के इक्वल आएगा। फिर आपके पास आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। थोड़ा सा मैंने यहाँ शॉर्टकट मार दिया, ठीक है, आप चाहो तो उसका पूरा लिख सकते हो। और फिर आप ये भी लैम्डा के इक्वल आएगा, फिर आपके पास आएगा जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ये भी लैम्डा के इक्वल आएगा। तो फिर ये सारे लैम्डा के इक्वल होंगे तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से एक ये कंडीशन आपके पास निकल के आएगी कि एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। राइट, इस कंडीशन को हम कहेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी। क्या है ये कार्टेशियन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा इस लाइन में ध्यान से देखोगे आप तो x1 क्या है भाई, इस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y1 क्या है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, z1 क्या है इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट। ऐसे ही नीचे x2 माइनस x1, मतलब x2 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1, दिस माइनस दिस, Z2 माइनस Z1, दिस माइनस दिस, मतलब जो दो आपको पासिंग पॉइंट दिए थे ना उनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है नीचे। अच्छा एक बात बताओ, नीचे तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, फिर यहाँ पर तो डिफरेंस आ रहा है, यस डायरेक्शन रेशियो भी तो ऐसे ही निकालते हैं। अगर एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके भी कोऑर्डिनेट पता है, हाँ तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो ऐसे ही तो निकलते हैं, ए बी के डायरेक्शन रेशियो ऐसे ही तो निकलते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, तो मतलब ये नीचे डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। मगर फिर इससे जैसे पिछले क्वेश्चन में कार्टेशियन से वेक्टर निकालना था तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसको पहले निकाल के डायरेक्ट एक्स टू माइनस एक्स वन वो ऑलरेडी डायरेक्शन निकला हुआ है दो पॉइंट्स का। नीचे बच्चों आपके पास तो x2 माइनस x1 करोगे कोई नंबर्स की फॉर्म में कोई नंबर आएगा 2 3 5 ही आएंगे, और अगर ये 2 3 5 मैं क्वेश्चन में समझाता हूं आपको शायद वही आपका डाउट हो। सर अभी लिखने तो काफी कुछ लिख रहा था, आप मेरा रुक जाओ, इतना लिखेगा। चलो चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ मुझे क्या है, क्वेश्चन बहुत छोटे हैं,
बट दिक्कत ये है ये देखो ग्रुप में भेज रही हूं फोटो राइटिंग वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म राइट वेक्टर फॉर्म हां क्या दिया अभी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अच्छा ये तो पिछले वाले फॉर्मूले का ही क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन x माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन कितना है थ्री इज इक्वल टू यही क्वेश्चन है ना वाई प्लस फोर अपॉन सेवन इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन टू ये है इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है बच्चों देखो x माइनस फाइव अपॉन थ्री ये ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इसको लिखो y माइनस माइनस फोर अपॉन सेवन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो z माइनस सिक्स अपॉन टू ठीक है अच्छा एक बात बताओ हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऐसी होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी कार्टेशियन इक्वेशन ऐसी होती है ना जिसमें ये एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट पासिंग पॉइंट पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट होते हैं ये तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंगली देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है माइनस तो ये माइनस फाइव हो गया फाइव हो गया minus ये माइनस फोर हो गया और ये सिक्स हो गया और बच्चों जो ये होते हैं ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है और ये ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर होते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है थ्री बी की वैल्यू क्या है सेवन ए कितना है थ्री बी कितना है सेवन और सी कितना है टू तो बी वेक्टर कैसे बनेगा बी होता है ए आई कैप यही होता है ना बी जे कैप सी के कैप तो बी कितना आ गया थ्री आई कैप सेवन जे कैप प्लस टू के कैप समझ आया बी वेक्टर और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन रिया याद है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर अच्छा देखो ये है हमारे पास ये रहा यहाँ से बनेगा ए वेक्टर क्या बनेगा भी बना लो पहले बनाना है तो ए बनेगा फाइव आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप तो आर वेक्टर क्या आ गया फाइव आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप प्लस लैम्डा टाइम ऑफ प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बताओ बी वेक्टर कितना है थ्री आई कैप सेवन जे कैप प्लस टू के कैप ये आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई कुछ बच्चे क्या ना आर ही नहीं लिखते लेफ्ट हैंड साइड वाला बिना आर के तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी इक्वेशन में हमेशा दो साइड होती हैं अगर आपने एक साइड नहीं लिखी तो वो कोई एक्सप्रेशन तो हो सकती है इक्वेशन नहीं हो सकती राइट चलो अगले क्वेश्चन से किस किस को अगला फॉर्मूला किस किस को याद हुआ अरे वैसे एक बात बताऊं मैं अरे जैसे एट्थ नाइन्थ थर्ड टेन एट्थ और नाइन्थ कट है हाँ देखो कुछ नहीं है बच्चों जो अभी हमने किया है मान लो एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है वन टू थ्री वो क्वेश्चन ऐसा था वन टू थ्री बी पॉइंट है टू फोर फाइव ठीक है तो कार्टेशियन इक्वेशन अगर लाइन दो पॉइंट से पास करती है लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए तो लाइन की इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू जेड माइनस थ्री अपॉन में टू माइनस वन ध्यान दो फोर माइनस टू फाइव माइनस थ्री बच्चों बस ये ऐसे होता है क्वेश्चन तो ये आ जाएगी आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन एक्स माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस थ्री अपॉन टू ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई ऐसे निकालते हैं और अगर आपको वेक्टर निकालनी हो तो यहाँ से वेक्टर ए निकालो वेक्टर ए कितना आएगा आपका आई प्लस टू जे प्लस थ्री के और बी वेक्टर आपका कितना आएगा टू आई कैप इसका पोजिशन वेक्टर फोर जे कैप प्लस में फाइव के कैप बी वेक्टर माइनस ठीक है और फिर आप निकालोगे बी माइनस ए वेक्टर दैट इज ये यहीं से देख के लिख लो आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप और फिर आप निकालोगे लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर
ठीक है, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू डाल दो, कितना आई प्लस टू जे कैफ प्लस थ्री के कैफ, ये तो ये हो गया प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए आपका ये रहा, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम ऑफ आई प्लस टू जे कैफ प्लस टू के, ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन कर देगा आपके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं आगे करते हैं। देखो जरा नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, बच्चों मान लो ये एक लाइन है तो इसकी कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी, मान लो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी इक्वेशन, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, दूसरी लाइन है, मान लो ये दूसरी लाइन है और इसकी इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस में लेमडा बी वैक्टर। अब एक बात बताओ, इधर भी ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर, इधर भी ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर, इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों के पासिंग पॉइंट सेम है और दोनों के पैरेलल वेक्टर भी सेम है, ये थोड़े ना होता है, कोइंसाइड। तो एक काम कर लेते हैं, इसके पासिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर उसको ए वन ले लेते हैं, इसको बी वन ले लेते हैं, इसको ए टू ले लेते हैं और इसको बी टू ले लेते हैं, ताकि नजर आए कि दोनों के वेक्टर्स अलग अलग हैं। ये इसका पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से पास करती है, ए वन क्या है, ए वन क्या है, एक वेक्टर है जहां से ये पास करती है, इस पॉइंट का ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। बी वन क्या है, इसके पैरेलल, इस वाली लाइन एल वन के पैरेलल एक वेक्टर है। ए टू क्या है, ए टू एक क्या है, ए टू पॉइंट का वेक्टर, हाँ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है। और बी टू क्या है, इसके पैरेलल एक, इसके पैरेलल एक वेक्टर है बी टू, समझ रहे हो, ये बी टू है, इसके पैरेलल एक वेक्टर है वो बी वन है, समझे। तो दो लाइंस की इक्वेशन आपकी क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी आर वन आर टू भी तो करो, आर वन आर टू थोड़े ना होता है, आर वन आर टू थोड़े ना होता है, आर का मतलब है एक्स वाई जेड, आर कहाँ से बना था, पी एक्स वाई जेड से, ये तो कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है, जनरल कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है, ये नहीं बदलता है, यही बदल गया तो लाइन की इक्वेशन खत्म हो जाएगी, फिर तो नंबर इज इक्वल टू नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये तो जनरल होता है और ये एक्स वाई जेड के टर्म में ही रहता है, ये नहीं बदलता, इस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर है आर, आर आर ही रहेगा। अच्छा बच्चों, दो लाइंस के बीच में वेक्टर, इस लाइन के सॉरी एक ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन बी टू के पैरेलल है, बी टू के पैरेलल है, और ये वाली लाइन बी वन के पैरेलल है, समझ आया है आपको। हमें दोनों लाइंस के बीच में क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अरे एक बात बताओ, इन लाइंस के बीच में, इन लाइंस के बीच में, इन लाइंस के बीच में क्या एंगल होगा, इन लाइंस के बीच में एंगल होगा ये वाला एंगल होगा ना लाइंस के बीच में, मान लो ये क्या है, थीटा है, समझ आया आपको। एक बात बताओ मत बता। देखो भाई, ये बी वन वैक्टर है, क्या है, ये बी वन वैक्टर है और ये क्या है, बी टू वैक्टर, ठीक है। एक बात बताओ, बी वन को मैं यहां बना लेता हूं और बी टू को यहां बना देता हूं, तो बी वन बी टू के बीच में जो एंगल है वही लाइंस के बीच में भी वही एंगल है, देख रहे हो, वही तो होगा, इन दोनों लाइंस के बीच में जितना एंगल है उतना ही एंगल बी वन और बी टू के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि एक लाइन इसके ये है, एक लाइन ये है, ये दो लाइन है, समझ रहे हो आप, तो इनके बीच में, इनके पैरेलल में एक लाइन और बना दूं, इनके पैरेलल एक एक लाइन और बना दूं, तो पहले वाली दो लाइंस के बीच में जो एंगल था बाद वाली के बीच में भी सेम एंगल रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल है, पैरेलल है तो उनके पैरेलल जितने भी लाइन बनेगी उनके बीच में भी सेम एंगल ही रहेगा। इन लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में भी होगा। L1 लाइन A1 B1 वेक्टर के पैरेलल है, L1 लाइन किसके पैरेलल है, B1 के पैरेलल है, L2 लाइन B2 वेक्टर के पैरेलल है, तो इन लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल B1
और बी टू के बीच में भी होगा, क्लियर है ये बात? नहीं, बी वन एल वन के पैरेलल है, बी टू एल टू के पैरेलल है, राइट? तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा सेम वेक्टर बी वन और बी टू के बीच में भी होगा, तो क्लियर है? अगर ये बात नहीं समझ आई तो भाई इसको रट लो फिर, कि जो जो वेक्टर इन लाइंस के बीच में, जो एंगल इन लाइंस के बीच में होगा वही एंगल बी वन और बी टू के बीच में भी होगा। yes. तो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए हम बी वन और बी टू के बीच का एंगल निकाल देते हैं, ठीक है? लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए हम बी वन और बी टू के बीच का एंगल निकाल देते हैं, और दो बी वन और बी टू तो दो वैक्टर है, बी वन और बी टू के दो वैक्टर है, दो वैक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वन वैक्टर मॉड ऑफ बी टू वैक्टर, क्लियर हुआ ये? बी वन और बी टू के बीच, बी वन और बी टू तो क्या है, दो वैक्टर हैं, तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है? एक बात तो ये, दूसरी बात तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, इनके बीच का एंगल आ जाएगा, राइट? सर मोड लगाना है। हाँ मोड लगा देना है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, ठीक है? और दूसरी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स टू कर लो यहाँ पर, क्योंकि एक्स वन इसमें है, ए टू इज इक्वल टू y माइनस वाई y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू, ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है? इनके बीच का एंगल निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, देखो a1 को आप a2 से मल्टीप्लाई करो, a1 a2 प्लस में b1 b2, b1 को आप कार्टेशियन इक्वेशन दियो तो इस टाइप से आप एंगल निकाल सकते हो, प्लस c1 c2, c1 को c2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, ए वन स्क्वेयर बी वन स्क्वेयर प्लस सी वन स्क्वेयर, ए वन स्क्वेयर प्लस में बी वन स्क्वेयर प्लस में सी वन स्क्वेयर, ठीक है? इनटू इनटू आपको लिखना है ये ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर प्लस सी टू स्क्वेयर, दिस इज ऑल्सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक्चुअली ये दोनों एक ही है, इसी से हुआ, इसको b1 b1 डॉट b2 करोगे ना, b1 डॉट b2 करोगे तो ऊपर वाली टर्म आएगी, मॉड b1 निकालोगे तो ये वाली टर्म आएगी, मॉड b2 करोगे तो वो वाली टर्म आएगी, तो ये सेम है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, एक फार्मूला और, एक बात बताओ, देखो बच्चों ये क्या है, ए बी सी क्या है, ए वन बी वन सी वन क्या है, डायरेक्शन रेशियो, तो ए वन अपॉन अगर मैं ऐसा लिख दूं, रिया बताएगी बी वन स्क्वेयर प्लस में सी वन स्क्वेयर, रिया ये क्या बनेगा, रिया ने बता दिया आज रिया को एक सिल्क दूंगा, ए वन अपॉन ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर प्लस सी वन, ये क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन, ये एल वन बन जाएगा, उसकी बात हुई थी एम कितना होगा भाई, बी वन अपॉन बी टू स्क्वेयर, पहले मैंने सबके चेहरे पढ़े थे कि किस किस को याद नहीं है, उसके बाद बोला था सिर्फ अच्छे से नहीं पढ़े मेरे को भी नहीं याद, ए टू स्क्वेयर बी टू स्क्वेयर सी टू स्क्वेयर एवन, हाँ ये तो एवन ही रहेंगे, एवन ही रहेंगे, तो ये एम वन बनेगा, ऐसे ही क्या बनेगा, एन वन बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस एवन इनटू दिस, इसके नीचे ये पूरी टर्म आएगी, फिर इसके नीचे भी ये नीचे वाली कंप्लीट टर्म आएगी, फिर इसके नीचे भी ये कंप्लीट टर्म आएगी, क्योंकि ऐसा होता है, मान लो एक्स प्लस वाई है ना, और इसका डिनोमिनेटर मान लो बी, तो इसका मतलब होता है एक्स अपॉन बी वाई बाय बी, ये डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर ऊपर वालों सभी का डिनोमिनेटर है, ठीक है? सभी का डिनोमिनेटर है तो ये सबके नीचे सेपरेट भी लिखा जा सकता है, तो जब हम इसको सेपरेट लिखेंगे तो दिस, तो आएगा दिस दिस अपॉन ये दोनों आएंगे, तो ए वन के नीचे तो लिख लेंगे ये वाला, इनटू ए टू के नीचे लिख देंगे ये, तो यहां पर पता है क्या बनेगा, ए वन अपॉन दिस बनेगा एल वन, और ए टू अपॉन दिस बनेगा एल टू,
तो ये आ गया एल वन एल टू। फिर इसके नीचे ये दोनों लिखेंगे, बी वन के नीचे लिख लेंगे ये, बी टू के नीचे लिखेंगे ये, तो बी वन के नीचे जो वो लिखेंगे ये वाला, तो वो एम वन बनेगा और साथ में बनेगा एम टू। क्या हो गया, क्या हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये भी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या कर रहे दोनों मीटर, ये समझ आ गया। अच्छा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, तो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला ये होता है। लेक्चर तब भेजूंगा तो 15 मिनट और बैठोगे। आवाज करने की जरूरत नहीं है, सब मीडिया में रिकॉर्ड हो रहा है। लोग कहेंगे कि ये मतलब कौन से पागल ग्रुप के बच्चे हैं। देखो बच्चों, बच्चों को भी उठा दो, सोना के पॉज करो।